मतलब क्या ही बोलेंगे भाई, इतना ठंड है भाई, घटाओ में रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हरियाण ट्रैवल ब्लॉग पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज 10 तारीख, कल हम लोग 9 तारीख को आया था लाचू। तो अभी हम लोग यहाँ से कटाव विजिट करेंगे, उसके बाद थिंगटांग वैली, जीरो पॉइंट, ये सब कवर करेंगे। तो आप लोग भी जरूर वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि 5 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, काफ़ी बारिश हुआ था, उसके वजह से 5, 6, 7, 8 तारीख तक नॉर्थ सिक्किम का परमिट बंद कर दिया था। तो आपका 9 तारीख को इश्यू किया था, तो हम लोग तुरंत 9 तारीख को गैंगटॉक से आया था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाला है। तो ये मेरा पीछे व्यू देखिए भाई, ये पूरा मतलब लाचू है, पूरा इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली पूरा लाचू है, देखिए भाई, मतलब कितना है, मतलब क्या ही सुंदर जगह है भाई। आज का वेदर भी मतलब काफ़ी सुंदर है। ये पूरा नज़ारा देखिए, ये जितना भी है ये पूरा मतलब यहाँ पे होम स्टे, होटल सब अवेलेबल है। तो देखिए भाई क्या नज़ारा है। और जो ये पहाड़ देख रहा है, एक्चुअली ये माउंट कटाव का रेंज है। तो अभी हम लोग माउंट कटाव विजिट करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए भाई, वाह। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिए, अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो ये नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, मतलब आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2-3 दिन से परमिट इशू नहीं किया था नॉर्थ सिक्किम का, तो हम लोग भी शायद नहीं आ पाए। तो आज कल हम लोग को 9 तारीख को परमिट मिल गया था। तो अभी हम लोग अभी लाचुंग पे हैं। तो अभी कटाव जाएंगे, जीरो पॉइंट जाएंगे, तो ज़रूर वीडियो पे बने रहिए। तो ये जो भी नज़ारा है ना, ये पूरा दिखे भाई लाचुंग में, क्या इस बोलूँ मैं, इतना सुंदर जगह है, आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिए। तो अभी हम लोग यमथांग जाते समय थोड़ा बीच पे रुका था। तो ये पूरा नज़ारा आप लोग देखिए भाई, क्या मतलब आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग यहाँ से यमथांग वैली जाएंगे और जीरो पॉइंट, और उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर दोबारा हम लोग कटाव के लिए निकलेंगे। तो आज का व्यू देखिए भाई, वाह। एक्चुअली ये जो लेक देख रहा है ये एक्चुअली आपका फुंगी लेक है। तो उतना मतलब पानी तो नहीं है, तो फिर भी नज़ारा आप लोग देखिए। तो ये पूरा पीछे नज़ारा देखिए भाई, वाटरफॉल भी है। तो अभी हम लोग यहाँ से जीरो पॉइंट के लिए निकलेंगे। तो आज जीरो पॉइंट हो पाएगा या नहीं, तो इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा बीच में रुक गए थे, तो ये पूरा नज़ारा देखिए, वाह, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर। तो और अभी हम लोग यहाँ से मतलब जीरो पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद यमथांग वैली, और उसके बाद लास्ट पे हम लोग कटाव विजिट करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहिए। तो मैं थोड़ा बाहर पे जाके आपको थोड़ा बाहर से पूरा इस व्यू को दिखाता हूँ। देखियो भाई क्या व्यू है आज का। तो कल रात लाचुंग में बारिश हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब स्नोफॉल भी हुआ है। तो ये देखिए अभी जो रोड का जो भी बर्फ है, ये कल रात का है। तो देखिए भाई क्या नज़ारा है भाई। तो एक्चुअली अभी हम लोग वैली की तरफ आ चुका है। तो ये देखिए भाई, यमथांग 0 किलोमीटर। तो क्या करें भाई, पूरा वैली का नज़ारा, मतलब कल रात को बारिश की वजह से थोड़ा बहुत स्नो भी गिरा है। तो पूरा नज़ारा देखिए सुंदर है, आप लोग भी जरूर विजिट कीजिए। तो अभी ये पूरा देखिए भाई, तो अभी वीडियो को जरूर आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैंने टोपी पहना है, क्योंकि यहाँ का जो ठंडा हवा है ना, इसकी वजह से आपका सिर दर्द होता है कभी कभी, इसलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। मतलब आज एक्चुअली हम लोग 0 पॉइंट नहीं हो पाए, क्योंकि 0 पॉइंट थोड़ा इसमें ज़्यादा होने के कारण से आज बंद कर दिया। तो अभी हम लोग का जितना भी गेस्ट है, जितना भी टूरिस्ट है, सब वैली के पास है। तो अभी
मथुरा वैली के पास जाके इसके बाद हम लोग यहाँ से कटाव के लिए निकले थे। तो आप लोग जरूर आइए नॉर्थ सिक्किम, सबसे मतलब सुंदर जगह है एकदम, क्योंकि आपका पाँच तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद 6-7-8 को मतलब परमिट बंद कर दिया था। तो अभी 9 तारीख से परमिट इशू किया, तो हम लोग को कल परमिट मिला था। उसके बाद हम लोग नॉर्थ सिक्किम का परमिट मिलने के बाद कल हम लोग आया था। तो अभी हम लोग आज 10 तारीख है, तो अभी हम लोग वैली के पास है। तो अभी थोड़ा नीचे चलता हूँ, वैली का नज़ारा आप लोग को ज़रूर इस वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी चलते हैं। तो भाई अभी मैं एक्चुअली वैली के पास पहुँचा हूँ। वेदर तो अच्छा है, फिर भी मतलब इतना हवा चल रहा है, काफ़ी ठंडा है। तो भी जब भी आएंगे टोपी वगैरह कैप जरूर लेके आएंगे ना, मतलब यहाँ का ठंड की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा वैली के पास जाता हूँ और वैली का नज़ारा दिखा के उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या ही बोलेंगे भाई, इतना ठंड है भाई। चल रहा है, देखो भाई फ्रेश, ये देखो भाई कितना स्पीड हवा चल रही है, हवाओं में बहेंगे कटाओं में रहेंगे बरखा मेरी नचिया तेरे न हुए जो किसी के न रहे। अभी चलते हैं भाई एक गाने के साथ, अच्छा लगा भाई, इतना अच्छा तो नहीं गाता हूँ फिर भी ट्राई किया हूँ आप लोग के लिए। तो अभी नदी के पास पहुँचने वाला हूँ, जो वैली के पास एक नदी है, जो नदी है ऊपर 0.0 से आते हैं नदी के पास आपको लेके, इसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ भाई। का नज़ारा देखिए भाई कितना सुंदर है, काफ़ी सुंदर है भाई, आप लोग भी जरूर विजिट कीजिए। देखिए भाई बच्चे के साथ नदी क्रॉस कर रहा है भाई, ये अच्छा नहीं है, अगर गिर गए ना भाई इतना ठंड लगेगा। वेदर भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो भाई हवा का आवाज़ तो आपको सुनाई दे रहा होगा। मतलब वैली भी मतलब काफ़ी सुंदर है भाई, ये देखिए भाई मैं नदी के पास आ चुका हूँ। तो ये देखिए भाई नदी, कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, कोई नदी के पास पे है, ये देखिए भाई कोई नदी क्रॉस कर रहा है, काफ़ी ठंडा है भाई, नहीं करना चाहिए कभी भी भाई। आप लोग भी नदी पे आइए एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कभी भी। देखिए भाई हाँ मतलब भाई क्रॉस कर रहा है, क्या ही बोलेंगे भाई। देखो भाई पूरा वो जो बूट पहना था उसका बूट के अंदर भी पूरा बॉडी घुस गया भाई, इतना ठंड हवा है, पानी का इतना ठंड है भाई, क्या ही बोलेंगे। नदी क्रॉस करना है भाई इतना मतलब ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली भाई, इतना ठंड लगेगा ना भाई, ओ भाई क्या ही बोलेंगे भाई। इतना मतलब वहाँ से एक ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज क्रॉस करके आने से अच्छा था, लेकिन ये देखिए भाई ऐसे ऐसे मतलब क्या ही बोलेंगे। और यहाँ पे बच्चे बच्चे गिर गए पानी के अंदर ना, यहाँ का पानी जो इतना ठंड है ना भाई, क्या ही बोलेंगे भाई। तो अभी मैं भी यहाँ से निकल गया, काफ़ी ठंड है भाई, इतना हवा चल रहा है आज, क्योंकि वेदर भी काफ़ी मौसम सुबह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। देखिए भाई तो काफ़ी टूरिस्ट लोग देखे भाई नदी क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। वहाँ से ब्रिज था, वो ब्रिज क्रॉस करने से वो सबसे अच्छा रहता था, अगर गिर गए वहाँ पर इतना ठंड है तो बीमार होने का चांसेस काफ़ी रहता है। वैली में से जो नीचे वैली से भी
वैली कैसा लगा? अगर वैली आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं कटाव के लिए। तो मालूम नहीं कटाव का भी काफ़ी 8-9 दिन हो गया कटाव का विजिट नहीं किया, तो देखते हैं कटाव का भी व्यू कैसा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, वीडियो में ज़रूर बने रहिए। काफ़ी सांस भी फूल रहा है भाई, जब भी वैली जाएंगे तो धीरे धीरे चलिए भाई। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सांस का तकलीफ रहता है। तो रिसेंटली अभी हम लोग कटाव पहुंच गए हैं। तो आज एक्चुअली हम लोग कोई भी गाड़ी को 0 पॉइंट अलाउ नहीं किया, क्योंकि 9 तारीख को शाम को काफ़ी मतलब लाचुंग में बारिश हुआ था। तो आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख 0 पॉइंट हम लोग नहीं पहुंच पाए, काफ़ी स्नो है, इसलिए मतलब किसी को भी अलाउ नहीं किया। तो इसलिए हम लोग फिर से कटाव विजिट करने के लिए आ गया था। तो एक्चुअली मेरा पहला प्लान था 0 पॉइंट, उसके बाद युमथांग वैली, लेकिन 0 पॉइंट नहीं हो पाया। तो युमथांग वैली घूम के उसके बाद हम लोग लास्ट पे कटाव के लिए आया था। तो अभी मैं रिसेंटली कटाव पे हूँ, थोड़ा ठंड था इसलिए गाड़ी पे बैठा हूँ। तो अभी कटाव का सिचुएशन क्या है, कटाव पे कितना बर्फ़ है, ये इस वीडियो के द्वारा मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। तो अभी चलते हैं भाई। हम लोग रिसेंटली कटाव आ चुका है। तो देखो भाई, मतलब आज का व्यू बहुत ही सुंदर है। तो वेदर भी देखो भाई, प्रॉपरली आज हम लोग आर्मी गेट तक आए हैं। इसका नीचे में जो है वो खंडा वाटरफॉल छोड़ के हम लोग लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आ गए। तो अभी ये देख सकते हैं, ये पूरा मतलब आपका कटाव। तो आज का कटाव का व्यू काफ़ी अच्छा है। तभी अभी हम लोग यहाँ से इस, तो ये पूरा पीछे व्यू देखिए आज कटाव का, मतलब यहाँ कटाव का काफ़ी स्नो है, आप लोग इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो दिखे हुए मतलब काफ़ी सुंदर भी है। तो काफ़ी गेस्ट यहाँ पे आया है। तो ये पूरा देख सकते हैं नज़ारा। अभी मैं थोड़ा आप लोग को आगे लेके चलता हूँ, वीडियो पे ज़रूर बने रहिए। तो ये पूरा मतलब कटाव का व्यू देखिए भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब स्नोफॉल्स भी हो रहा है क्योंकि वेदर भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो देखिए भाई, मतलब स्नो तो मतलब काफ़ी सारा है भाई स्नो। हाँ, ये एक्चुअली ये मेरा गाड़ी है। तो ये देखिए भाई, मतलब क्या ही बोलेंगे, ये पूरा पहाड़ देखिए भाई। तो अभी हम लोग थोड़ा मतलब खंडा वाटरफॉल छोड़ के पूरा ऊपर तक आ गए। तो ये आज का मतलब कटाव पूरा। तो भाई कटाव में देखिए भाई, लाइव स्नोफॉल हो रहा है। देखिए आप लोग पूरा इस वीडियो के द्वारा देख सकते हो भाई, लाइव स्नोफॉल अभी हो रहा है। एक्चुअली आज 10 तारीख है। देखिए भाई, मतलब आप जब भी आएंगे ना ज़रूर कटाव को विजिट कीजिए। तो अभी देखिए भाई, मैं थोड़ा ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, मतलब काफ़ी सुंदर है भाई। ये अभी स्नो गिरना भी शुरू हो गया। ये देखिए भाई आगे का व्यू, लाइव स्नोफॉल भाई। अभी देखो भाई कटाव पे मतलब लाइव स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो भाई लाइव स्नोफॉल कटाव पे, बहुत ही सुंदर जगह है। आप लोग भी जब भी नॉर्थ सिक्किम आएंगे जरूर आप लोग कटाव को विजिट कीजिए। तो ये देखिए भाई, मतलब उतना गाड़ी शायद कटाव पे अभी तक नहीं आया है, लेकिन देखिए भाई कटाव का व्यू क्या ही बोलेंगे भाई। ये देखिए भाई, मतलब सन भी थोड़ा निकल, मतलब काफ़ी सुंदर है कटाव का व्यू। तो एक्चुअली खंडा वाटरफॉल तक आता था, लेकिन आज हम लोग थोड़ा ऊपर तक आया था जहाँ पे आर्मी का लास्ट गेट है।
तो ये देखिए भाई, अब जब भी आएंगे ना आप लोग तो कटाव को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आप लोग कितना दूर लाइफ में नॉर्थ सिक्किम एक बार आते हैं ना, तो जरूर 0 पॉइंट कटाव जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि अभी देखिए मतलब काफ़ी स्नो है भाई। तो अभी हम लोग भी यहाँ से रिटर्न होने वाला है, तो काफ़ी मतलब टाइम भी बहुत हो चुका है, तो काफ़ी गाड़ी आया है, गाड़ी भी बहुत है, तो व्यू देखिए ना भाई कितना सुंदर है। तो वीडियो को भी आप लोग को अगर अच्छे लगे ना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अभी ये देखिए भाई पीछे का व्यू, आज तो पूरा कटाव पे स्नोफॉल हो रहा है भाई। तो ये देखो भाई कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है भाई। ओ भाई तो आज मैंने पूरा आप लोग को कटाव का व्यू दिखा दिया। तो अभी काफ़ी ठंड भी है, टाइम भी बहुत हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न आज लाचुंग पे स्टे है। तो मैंने कटाव का व्यू मेरा ब्लॉग के द्वारा पूरा दिखा दिया। तो ये देखिए भाई जितना भी व्यू है ना ये पूरा कटाव है। तो आप भी जब भी नॉर्थ सिक्किम विजिट करेंगे तो कटाव को ज़रूर विजिट कीजिए। तो अभी आज के लिए इतने, नेक्स्ट एपिसोड पर मिलते हैं। तो आप सभी लोग को मेरे तरफ से गुड बाय एंड जय हिंद।